Once again, welcome back to the program. What a glorious journey it has been for the past few months. ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਤੋੜ ਸਮਾਪਤੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ 18ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। स्वागत करते हैं रजनी शर्मा जी का। वंस अगेन जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। समय का पता ही नहीं लगा जी, 8-9 महीने से ये कथा चल रही थी और बहुत सरल शब्दों में जो आप यहाँ पे आके हमारे साथ हर चैप्टर को, क्योंकि इतना कुछ होता है उसको सार को इकट्ठा करना और जस्ट सम अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चाहूँगा जरूर बताएं हमें। तो आप कितना कुछ समय लगाते होते थे इसको तैयार करने में? हरप्रीत जी, ऐसा है कि जिस वक्त किसी भी चीज में मन लगता है तो समय का पता नहीं चलता। सही बात। तो मैं कहूँगी कि ये एफर्ट मेरा नहीं था जी, भगवान ने अपने से ही ये प्रेरणा दी और सब हो गया बहुत सरल तरीके से। नहीं जी, बहुत इसके हमें अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आए हर तरफ से ही, क्योंकि आम तौर पे होता क्या है कि कई बार जो ज्ञानी लोग आके बहुत ज्ञानी ऊपर के स्तर की बात कर जाते हैं तो कई बार आम जनता जो है उसके सिर से ऊपर निकल जाती है। लेकिन आप यू आर नॉट अ प्रीचर और एनीथिंग, और आप बींग अ हाउस वाइफ और अपना समय निकाल के आप काम भी करते हैं, घर को भी संभालते हैं, और साथ में आप हमारे साथ आके यहाँ भी आपने गीता का सार जो शेयर किया उसके लिए आपके धन्यवादी। So, आगे आप बात करें कि 18वें अध्याय में लास्ट टाइम भी जो आपने बातें की थी कि जीवन तो बहुत सरल है, अपने आप को समर्पित करने की बात कृष्ण जी करते हैं अर्जुन को जी, और आगे क्या है सार, क्योंकि अब वो इंक्विजिटिवनेस जो है बढ़ी हुई है, क्योंकि 17 अध्यायों का जो सारा समअप है आज हम उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या और बातें जो है जो महत्वपूर्ण है जिससे कि हम अपने जीवन में कुछ सबक सीख सकते हैं जी? एक्चुअली 18वें अध्याय में ये जो भगवान ने पराभक्ति की बात कही कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे करनी है जी, और फिर भगवान ने हमें बताया जो सबसे रहस्य और गोपनीय बात उन्होंने बताई, वो शरणागति की जी, कि किस तरह से भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे शरण हो जाओ, मेरे में मन लगाओ और सभी धर्मों को, कर्तव्य कर्मों को, अपनी बुद्धि के धर्म संकटों को छोड़कर तुम केवल मुझ मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा उन्होंने पिछले अध्याय में पिछली बार हमने देखा कि इस अध्याय में उन्होंने कहा जी। तो उसके बाद भगवान ने अब अर्जुन से प्रश्न किया, वो भी बहुत समय से अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, अर्जुन क्या तुमने एकाग्रचित होके इस शास्त्र का श्रवण किया जो मैंने तुम्हें बताया? क्या तुमने एकाग्रचित मन से उसको सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? क्योंकि जितना मोह है जीवन में उसकी जो जड़ है उसकी वो अज्ञान है। तो भगवान ने कहा अज्ञान से उत्पन्न तेरा मोह नष्ट हुआ, सो ही क्वेश्चन अर्जुन। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई और अब मैं वो करूंगा जो आप कहेंगे। ठीक। टोटली सरेंडर टू हिम कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा विदाउट ब्रिंगिंग एनीथिंग ऑफ माय माइंड, माय इंटेलेक्ट, माय लॉजिक्स, व्हाटएवर यू से, योर वर्ड्स आर दाय कमांड। राइट। करश्ये वचनम तव, कि मैं अब आपके वचनों का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो हमें इस बात को यहाँ पर ये देखना चाहिए कि अर्जुन ने जो कहा कि मुझे स्मृति आ गई, स्मृति कहते हैं याद, कि कोई पुरानी, जैसे उसने कहा कि मुझे स्मृति आ गई, तो स्मृति उस चीज की आती है जो ऑलरेडी आपके पास थी। ठीक। अगर आप अपने घर पे भी देखें, कोई वस्तु रख के कहीं भूल जाए और फिर जब वो मिल जाती है तो सबसे पहली बात है कि वो पहले से थी। आपने केवल भूल गए थे उसे। राइट। तो पूरा ज्ञान सुन के भगवान गीता का अर्जुन के ये मन में आया कि मेरा संबंध तो सदा से ही परमात्मा से, उस चिन्मय सत्ता से, उस कॉन्शियसनेस से, उस पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट सोल, आई एम दैट। लेकिन हुआ क्या, मैंने इस शरीर को अपना मान लिया, इस संसार को समझ लिया जो कि असत्य था। ठीक।
शरीर को, संसार को, मन को, बुद्धि को, अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को, अपने गोल्स को, अपनी दुनियावी दौड़ को, मैंने तो उन सबको सच समझ के बैठा था जी। लेकिन मैं तो असल में परमात्मा का अंश हूँ, उस अविनाशी चेतन का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और उसके द्वारा, उसके अंतर्गत में काम कर रहा हूँ जी। तो मैं कैसे अपने को उससे अलग करके, अपनी एक अलग आइडेंटिटी खड़ी करके, अपने को कुछ मान के और अपने तरीके से इस संसार को चलाना चाहता था। बिल्कुल। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे वो याद आ गया, उससे मेरा सब मोह नष्ट हो गया जी। तो भगवान, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो आप देखें कि पहले अध्याय में वो जो अर्जुन धनुष छोड़ के बैठे थे, राइट, और 18वें अध्याय में कितना फर्क, भगवान के टोटल सरेंडर, वो उनकी मनो, जो मन की वृत्ति नहीं बदली है, मन विलीन हो गया, राइट, बुद्धि के प्रश्न खत्म नहीं हुए, बुद्धि श्रद्धात्मक होके उधर झुक गई, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, टोटली डिसॉल्व हो गई, वेरी राइट, राइट। तो ये टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चेंजेस नहीं है, दीज आर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। वो अर्जुन जो अध्याय पहले में हम देख रहे थे वो है ही नहीं, बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट हो गई जी, बिल्कुल। जो जी। सोच थी, जैसे आपने सही कहा कि शुरू में जो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, और यही इससे हमें भी मैसेज मिलता है कि हम अगर जीवन में ज्ञान, जो ज्ञान आप में परिवर्तन ला सकता है, पर उसके लिए सिर्फ वो ज्ञान तक ही सीमित ना रह जाए, कि हम आज देख रहे हैं कि ज्ञान तो हम बहुत सारी जगह से ले लेते हैं, पर वो ज्ञान सिर्फ ज्ञान तक ही सीमित रह जाता है जी। तो अगर ऐसी जो चेंजेस आए, जैसे अर्जुन में वो सुन सुन के जैसे उनमें परिवर्तन आता रहा, वो इंक्विजिटिवनेस भी बढ़ती रही, पर एक समय ऐसा आ गया कि हर चीज जो है शांत हो गई और वो एकदम डिसॉल्व हो गए उसमें, डिसॉल्व हो गए, और भगवान की जो बातें थी वो अब केवल भगवान की बातें नहीं रही जी, वो उनको स्मृति आने से, या मैं ये कहूँ कि जैसे वो उनको अंदर मन में ये साक्षात्कार हो गया कि मैं उस चिन्मय सत्य का हिस्सा हूँ जी। तो यहाँ पर एक बात ये भी देखने की है हरप्रीत जी, कि आज भी जिस मनुष्य को जब भी सेल्फ रियलाइजेशन होगी, उसको उस वक्त जो अर्जुन के मन में बात आई उसको आज भी वही आएगी, क्योंकि भगवान ने कहा वो तत्व ज्ञान तो सदा से है, बिल्कुल, और जो उस पराभक्ति को प्राप्त करता है वो तत्काल उसमें प्रविष्ट हो जाता है, ऐसा उन्होंने पिछली बार हमने देखा जी। तो जो अर्जुन को रियलाइजेशन है वो आज भी सेम रियलाइजेशन ऑफ सेम क्वालिटी, उसमें कोई भेद नहीं होगा। तो इसलिए जो भगवान ने 5000 साल पहले ये बात कही, बिल्कुल, तो आज और आज से आने वाले 5000 साल बाद तक भी रेलेवेंट रहेगा, ये ज्ञान हमेशा रहेगा, ये सनातन है, ये शाश्वत है, बिल्कुल जी। तो अब हम आपको वापस लिए चलते हैं संजय के पास, जो कि जहां से हमने शुरू किया था कि ये युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं और संजय सुन रहे हैं जी, धृतराष्ट्र के भवन में बैठ के। तो अब जब ये भगवान चुप हो गए अर्जुन से पूछने के बाद, और अर्जुन ने कहा कि मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, तो अब ये गीता का उपदेश यहाँ खत्म हुआ और संजय ने हमें कहा कि भगवान का ये अद्भुत संवाद जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में हुआ वो मैंने श्री व्यास देव की कृपा से सुना, जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी। तो हरप्रीत जी, जो व्यास देव जी हैं जी, वो ऋषि हैं, उन्होंने ही गीता की रचना की जी, महाभारत की और बहुत 18 पुराणों की रचना उन्होंने श्री व्यास देव जी ने की जी। और जब भगवान ने अपनी विभूतियां बताई थी तो उनमें ये जिक्र भी किया था कि ऋषियों में मैं व्यास हूं जी। तो वो व्यास जी ने ये उसको दिव्य दृष्टि दी थी संजय को, और फिर संजय ने ये संवाद सुना, तो उन्होंने कहा कि ये अद्भुत संवाद मैंने भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो सुना वो मैं सुन के बार बार मुझे बहुत ही मन के अंदर बहुत हर्ष हो रहा है जी। और फिर उन्होंने कहा, जो 11वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए थे अर्जुन को, तो संजय ने वो भी देखे थे जी।
तो उसने कहा कि जब मुझे वो याद आता है कि जिस वक्त भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया था, तो मुझे रोमांच हो रहा है, आई एम हैविंग गूज बम्प्स, ये बात संजय ने कही। तो उसका, क्योंकि ये बता रहे थे धृतराष्ट्र को, क्या उसके बारे में भी कुछ बात की गई है कि क्या उनको, जब ये सब कुछ सुन रहे हैं, क्या उनको भी कुछ उनके ऊपर असर पड़ रहा है, या वो सिर्फ अभी भी उनको कुछ और ही उनके दिमाग में चीजें चल रही हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं इस ब्रेक के बाद। जी सुस्वागत करता हाँ जी, एक बार फिर आप सबका अज दे सैगमेंट में। अते यह अखीरला सैगमेंट है भगवत गीता दी, जो सार असी लैके पिछले 8-9 महीने तो तुहाडे नाल सांझ पा रहे सी, उस वास्ते मुड़ तो असीं धन्नवादी हाँ रजनी शर्मा जी दे, तुहाडे सारिआं दे वी, क्योंकि तुहाडे वल्लों बहुत सारिआं सानूं कॉल्स आईआं कि तुहानूं इह प्रोग्राम चंगा लग्गिआ है। इस दा मुख मकसद प्रोग्राम दा इही सी कि जिथे साडे हिंदू भैणां ते भरावां दे विच उहनां दी नॉलेज वाधा होए, पर नाल आम जिहड़े लोक जिहड़े भी संप्रदाय नाल जुड़े हुए ने, जिहड़े भी धर्म नाल जुड़े ने, उहनां नूं भी पता लगे कि बाकी ग्रंथां विच की लिखिआ गिआ है। सो ब्रेक तो पहलां जिस तरह रजनी जी दस रहे सी कि संजय ने जिहड़ी इह सारी दिव्य दृश्य जिहड़ी उहनां नूं मिली सी उस दे नाल वेख के यह धृतराष्ट्र नूं दस रहे सी कि धृतराष्ट्र दे जीवन दे विच कुछ ये सुन के कोई परिवर्तन आया, या अजे भी वह हलचल जिहड़ी कि आम तौर पर साडे जीवन विच वेखी जाती है उही चल रही सी कि मेरा बच्चा जो है वह कामयाब होवे, मेरा ये है मेरा वो है, इतों तक ही सीमित रह जाता है। आओ इस बारे भी कुछ जानकारी लेने जी। सो संजय ने जब बात की सारी बताई जैसे आप बता रहे थे, तो धृतराष्ट्र का क्या रिएक्शन था ये बताइए। देखिए, धृतराष्ट्र के रिएक्शन के बारे में गीता में नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने संजय से प्रश्न किया था जब गीता का जो पहला शुरुआत थी, जो पहला प्रश्न है वो धृतराष्ट्र की तरफ से आया कि मेरे बेटों में और पांडवों में ये युद्ध भूमि में क्या हुआ जी। तो मेरा ख्याल है उसका जवाब जो है वो गीता के इस आखिरी श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को दिया। और संजय ने कहा कि पहले तो वो, उन्होंने जैसे हमने अभी ब्रेक से पहले बात कही कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं और समझ नहीं पा रहे और वो बार बार उस चीज को याद कर रहे हैं और बहुत अपने को भाग्यशाली मान रहे हैं कि उन्हें ये संवाद सुनने को मिला। फिर उन्होंने कहा कि संजय ने ये एक अल्टीमेट स्टेटमेंट दी है भगवद गीता के बारे में, इस ज्ञान के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जी। संजय ने कहा कि जहां पर भी योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर भी अर्जुन है जी, वहां पर विजय, श्री, विभूति और हर प्रकार की जो है सफलता, सिद्धियां सब वहां हैं, अटल नीति सब वहां है, ऐसा हमारा निश्चित मत है। तो ये जवाब उन्होंने धृतराष्ट्र को दिया जी। तो उन्होंने इन अदर वर्ड्स बता दिया कि योर सन्स आर गोइंग टू बी लूजिंग बिकॉज भगवान कृष्ण जिस तरफ हैं, अर्जुन जिस तरफ हैं, विजय वहां है, सिद्धि वहां है, सफलता वहां है और वैभव वहां है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा इस बात के ऊपर विचार करें जी, तो हमको ये पता चलेगा कि भगवान कृष्ण क्या, वो परम सत्ता। तो जिस भी धर्म में मनुष्य है, जिस भी संप्रदाय में वो बिलोंग करता है, अगर वो उस परम सत्ता पे विश्वास रखता है जी। और अर्जुन कौन, उस सत्ता पे परम श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जहां भगवान है जहां भक्ति है, बिल्कुल दोनों जहां है, नॉट वन और द अदर राइट। क्योंकि कहीं कई धर्मों में ऐसा है, कहीं कई धर्मों में नहीं, कहीं मैं ये कहूंगी कि आजकल बहुत से कल्ट चले हुए हैं जहां पे एक स्पेसिफिक प्रोसेस को बहुत जोर दिया जाता है जी। लेकिन जो परम सत्ता है उसके प्रति श्रद्धा इतनी नहीं सिखाई जाती जी। तो दोनों कहा कि जहां पर भगवान योगेश्वर कृष्ण है और जहां अर्जुन है, जहां अर्जुन जैसी आस्तिक बुद्धि, भगवान में प्रेम रखने वाली, उनकी आज्ञा का पालन करने वाली, और जहां भगवान की सत्ता का विश्वास, ये जहां दोनों चीजें हैं वहां वैभव होगा। श्री, श्री शब्द यूज किया अर्थात वहां पर हर प्रकार की शोभा, लक्ष्मी, संपत्ति सब होगा राइट। फिर कहा वहां पर विजय होगी, हर तरह की सक्सेस वहां पे मिलेगी, उस पक्ष में मिलेगी। और फिर कहा कि नीति, धर्म, न्याय, युक्ति संगत बात,
सभी कुछ वहां पर होगा। संजय ने कहा, ऐसा मेरा निश्चित मत है, माय स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन राइट इज दैट। बिल्कुल जी, कन्विक्शंस आर बिल्ट ऑन बिलीव्स। वही बात आ जाती है कि जैसे ये शुरुआत से हमने देखा कि एक वो डिसहेवल्ड थॉट्स ही हमेशा और घबराया हुआ बाहरी रूप से, चाहे बहुत शक्तिवान थे अर्जुन, लेकिन अंदर से जो था बिल्कुल डिसहेवल्ड थे, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज्ञान मिलता रहा और उनकी श्रद्धा बढ़ती रही, और एक ऐसा समय आ गया कि जिसमें हर चीज़ जो है उन्होंने समर्पण कर दी और कहा कि जो होगा वो तुम ही कराओगे मुझसे, और जो होगा अच्छा ही होगा जी। सो अगर ये इंसान के जीवन में सोच आ जाए तो फिर हमारे जीवन में बहुत सारी जो परिस्थितियाँ में हम फंस जाते हैं और हमें आंसर नहीं मिलता, तो उसके लिए तो यही है कि अपने आप को समर्पण कर दें और जो आता है उसको एक्सेप्ट करें जी। और जब वो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली लाइफ जो है एकदम बड़ी ईजी हो जाएगी, और वो बहुत किंतु परंतु जो है जीवन में से खत्म हो जाएंगे। और जब ये जीवन में से किंतु परंतु खत्म हो गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती जी। राइट, आखिर में जो सार है, मैं चाहूँगा एक बार फिर से थोड़ा सा बात कर लें, 3-4 मिनट जो हमारे पास हैं, कि मुख्य सार आप अगर कुछ कहना चाहें कि ये जो 18 अध्याय में हमने बातें की, अगर कुछ सीखने की ज़रूरत है तो क्या क्या सीखने की ज़रूरत है? देखिए, भगवान ने 3 ही योग गीता में बताए जी, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक, तो अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में जी, जो अपने कर्म करें उनको निष्काम भाव से, बिना आसक्ति के, बिना फल की चिंता करते हुए जी, कर्मों के फल का त्याग, ठीक, ये कर्म योग हमारा हो गया। ठीक, ज्ञान योग से हम ये सोचें कि क्या संसार है, क्या परमात्मा है, और किस तरह से हम ज्यादा परमात्मा की तरफ जाएं, अपने मन का विवेक और वैराग्य स्ट्रॉन्ग करें, तो ये हमारे ज्ञान योग की पराकाष्ठा हो गई। और फिर उसको हमने प्रैक्टिकल में जैसे लाना है तो वो पराभक्ति की बात भगवान ने की ही, और उसके बाद भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम और अनन्य शरणागति जी। तो ये तीनों का संगम, ये त्रिवेणी है जी, कर्म की, भक्ति की और ज्ञान की। राइट, ये तीनों का संगम जहाँ पर हो जाता है तो वहाँ पर जो है हमारे जीवन में, हमारे मन में शांति का, प्रेम का सागर लहराने लगता है जी। ऐसा इस गीता का अगर हम सार कहें तो वो ये है। बहुत खूब जी, बिल्कुल ये अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है और अगर ये अलाइनमेंट हो जाए तो अगेन जैसे आपने कहा कि ये सार से हमें हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, और हमारे जीवन में अगर परिवर्तन आएगा तो ऑटोमेटिकली हम अपने घर में वो परिवर्तन देख सकते हैं और उसी का असर जो है समाज में भी नज़र आएगा। तो आज यही करते हैं कि पिछले 8-9 महीनों से जो हम ये बात कर रहे थे उसका असर सबसे पहले तो हमारे ऊपर हो, और उसके बाद हम जो जिस मकसद के साथ हमने ये प्रोग्राम किया कि हमारे दर्शक जो हैं उसका बेनिफिट ले सकें, उन्होंने भी ज़रूर इसका फ़ायदा लिया होगा। जी, आपका जी कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहती थी कि बहुत से दर्शक, आप जैसे बार बार कहते कि थे कि टोरंटो से बहुत लोगों ने आपको फ़ोन करते थे, और यहाँ वैनकूवर से भी लोग, मेनलैंड से भी बहुत लोगों का फोन आया, तो मैं यही कहूंगी कि सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी फीडबैक से ये सब करने का उत्साह और भी बढ़ता है जी। और इसके अलावा एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ अपने दिल से कि ये बहुत गूढ़ ग्रंथ है जी, बहुत रहस्यात्मक ग्रंथ है, तो इसकी व्याख्या में जरूर कोई ना कोई त्रुटियां जरूर हो गई होंगी, तो मैं उन सब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वहां दर्शकों में बहुत विद्वान बैठे होंगे, तो कोई भी गलती हो तो आप उसके लिए क्षमा करें। आपका जी ऐसा है कि आप कोई प्रचारक तो है नहीं, आपने भी मेहनत करके और अपने घर के समय में से समय निकाल के यहाँ पे आके आप जो हमारे साथ साथ देते रहे, और सबसे अच्छी तो बात यह है कि जहाँ पे ये नॉलेज मिली मेरी हिंदी में भी बहुत वृद्धि हुई क्योंकि मेरी हिंदी जो है उसमें बहुत लोगों की मुझे भी कॉल्स आई कि जी आप तो अब हिंदी में बहुत ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने कहा जी ये जो बातें होती हैं उसी से हम सीख लेते हैं, क्योंकि जीवन का मकसद ही है सीखना, एक दूसरे से अगर हम अच्छी चीज़ें सीखें तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। वंस अगेन जी, फ्रॉम ऑल आर व्यूअर्स एंड स्पेशली हमारी स्टाफ से की तरफ से भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये बहुत अच्छे सरल तरीके से हमारे साथ 8-9 महीने में गीता का सार जो है उसका शेयर किया। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस जी। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। सो इस दे नाल ही कर दें जी अज दे इस प्रोग्राम की समाप्ति। जो असी पिछले समय दे विच तुहाडे नाल साथ दिता है जी, उस विच तुहाडे वल्लों भी बहुत वड्डा सहयोग मिलिया, क्योंकि जदों कोई इत्थे साडे कोल गैसट आके गलबात करदा है तो तुहाडी जिहड़ी फीडबैक हैगी बहुत अहम रोल प्ले करदी है।
इसी करके जेकर हुण भी तुहाडे कोल कोई सवाल होए तां साडे नाल जरूर संपर्क करना ते डायरेक्टली भी तुसीं रजनी नाल गलबात कर सकते हो जी ताकि कोई सवाल होण तां उहदा तुसीं जवाब लै सकते हो। सो प्रोग्राम इत्थे ही समाप्ति है जी। फीडबैक लई 604-603-7555 या फिर ईमेल राही संपर्क करो harpreetsingshow@gmail.com। ये सारे प्रोग्राम्स तुसीं youtube.com/harpreetsingshow ते भी जाके बाद विच भी देख सकते हो। नाल ही आप सारयां दे धन्नवादी हैं जिहड़े साडे स्पोंसर ते एडवरटाइजर्स ने क्योंकि तुहाडी ही बदौलत प्रोग्राम्स तुहाडे तक पहुँचते हैं ते नाल ही तुहाडे तो सहयोग की भी आस करते हैं कि इस प्रोग्राम नूं होर बेहतर करन वास्ते तुसीं साडे नाल जरूर साथ दोगे थ्रू स्पोंसरशिप या थ्रू एडवरटाइजमेंट्स।